आप सबको वेलकम करता है आज का ये वन डे इंटरेक्शन प्रोग्राम ना। हम लोग ये गालो वेलफेयर सोसाइटी है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का ना। आज आप लोग के यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए आप लोग के साथ में कुछ अच्छा अच्छा बात करने, आप लोग से कुछ सुनने, आप लोग का क्या है, हम लोग कैसे आप लोग हम सब ना साथ में वी कैन ग्रो टुगेदर ना, उसके लिए आज हम लोग इंटरेक्टिव एक प्रोग्राम रखा है। तो विदाउट फर्दर ये करते हुए हम थोड़ा आपको पहले एजेंडा को लिस्ट आउट कर देगा आज क्या क्या होने वाला है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग का ये जो जनरल सेक्रेटरी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट श्री तोन्या रिवा आप लोग का एक वेलकम स्पीच देगा विथ कीनोट स्पीच, वेलकम एड्रेस एंड कीनोट स्पीच। आफ्टर डेथ हम लोग का दो इन्वाइटिस यहाँ पे आया हुआ है, हम लोग का डीएमओ मैडम है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट डॉक्टर आर आर रोन्या मैडम आया हुआ है। एंड देन हम लोग का और एक मैडम आया है श्रीमती गयदाम एते कामची, सी इज ए एंटरप्रेनर कम सोशल वर्कर, ठीक है। तो ये लोग को फैसिलिटेट करेगा हम लोग का जो वुमेन विंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हिंदी में बात करूँगा आज का इस समारोह में जो होगा। सबसे पहले मेरा जितने भी गालो वेलफेयर सोसाइटी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट के आज इस समारोह में सदस्य आए हुए हैं उन सभी को भी मैं वेलकम करता हूं। आप सब ने इस समारोह को सफल होने में मेरा साथ दिया और आज अभी का ये समय देखने को मौका दिया। उसके बाद आज का ये समारोह, आज का ये प्रोग्राम, चौथा सा प्रोग्राम हम लोग क्यों रखा और कैसे ये बन के आया, उस विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी पपुमपारे गालो वेलफेयर सोसाइटी इस बार 25 इयर्स सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है आलोंग में। तो उसी विषय में हम लोग को एक गालो समाज में कितना गालो है अरुणाचल में उसका सेंसस करने के लिए हम लोग को एक हिदायत दिया था, उसी विषय में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया मेरा घर में ही। तो उस विषय को डिस्कस करते हुए, बातचीत करते हुए हम लोगों के बीच में एक सप्लीमेंट्री डिस्कशन आया कि चलो हम लोग जी डब्ल्यूएस पपुमपारे यूनिट के नाम से एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तभी मेरा एक दोस्त है, ये
जुमगे इंजीनियर जुमगे जोदू सॉरी उन्होंने बताया, मेरा एक दोस्त है और ये एक अरुणाचल बुलेट क्लब का मेंबर भी है, तो उन्होंने बताया मेरा एक दोस्त है दादर हांजा सर, वो एक बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, बहुत अच्छा फाउंडेशन चला रहा है, तो उनके पास जाते हैं और उनका दुख दर्द क्या है जानते हैं। तो हम सब ने हामी भराया और आज का ये प्रोग्राम बनाया, और 12 तारीख का शाम को हम लोग ने प्रोग्राम बनाया और आज 17 तारीख है, तो केवल 4 ही दिन में हम लोग ने ये चौथा सा प्रोग्राम अरेंज किया। और मैं साथ ही साथ माफ़ी चाहता हूँ, अगर इस प्रोग्राम में कहीं भी कुछ कमी रह गया तो हम जी डब्ल्यू एस पापुमपारे यूनिट के ओर से माफ़ी मांगता हूँ, और आने वाला वक्त में मैं विश्वास दिलाता हूँ गालोवेल पर सोसाइटी आप सबके साथ हैं, और आज का हमारा टीम भी यही है, आप देख रहा होगा गालो वेलफेयर सोसाइटी इज विथ यू, गालो वेलफेयर सोसाइटी आप सबका साथ है हमेशा, इसी टीम के साथ हम लोग आज यहाँ आए हैं। और कल शाम यहाँ हम लोग आया, उसके बाद में सर से परमिशन लिया और आज भी देख रहा हूँ, और सर से जो इनपुट हमको मिले उसी आधार पर आज तक फिलहाल यहाँ पे 55 स्टूडेंट है बोला बताया गया है, और 21 केयर टेकर है, और 12 फैकल्टीज है बोल के बताया गया है। तो इस फाउंडेशन में, इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में जितने भी फैकल्टीज हैं, आप सभी को जी डब्ल्यू एस पापुमपारे यूनिट की ओर से सलाम करता हूं, और आप लोग भगवान के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाला वक्त में भी ऐसे काम करते रहिएगा। और उन सभी फैकल्टीज के लिए और उन सभी केयर टेकर्स के लिए भी एक ज़ोरदार तालियां बनता है। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइली फेस, एंड वेरी रेस्पेक्टेड गालो वेलफेयर सोसाइटी मेंबर हु ऑल प्रेजेंट हियर, एंड वेरी वेरी रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, एंड देन ऑल द यू नो ऑल दिस मीडिया पर्सन टू आर देयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माई हार्ट। So today is really truly very very special day for me, because I feel good to visit the places where good cause of people are organized. So today is a wonderful day because it's a good cause of the society. You are part of society, I am part of society. So we are here near about 50-60 people, but we are society. We belong from different society. So it's a good job. Very much thankful to Galo Welfare Society, Pappumpare District, and very much thankful to the owner, the director sir, to allow us to be here today. And very, very thank you to the boys who are here, who seems to be very bright future. I can see, because I can read face, I see very bright future in your face. So give me a clap for that. Before I go for the introduction part, I would like to thank to Galo Welfare Society. I would like to thank to the owner. I would like to thank you all. And today's theme, आप देख रहे होंगे कहाँ पे है, गालो वेलफेयर सोसाइटी इज विथ यू। इट रियली मीन ए लॉट अगर गालो वेलफेयर सोसाइटी आपको बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो आप बहुत खुश नसीब हो, आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि गालो वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत बड़ा सोसाइटी है।
आपने प्रॉमिस कर दिया तो आज का थीम लगा दिया, मतलब यू कैन कम टू अस गालो वेलफेयर सोसाइटी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्पेशली। आप भी आ सकते हो, बातें कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सो दिस इज रियली टूडेज थीम इज रियली मीनिंगफुल एंड हैविंग लॉट्स ऑफ मीनिंग इन इट। एंड देन नाउ इंट्रैक्शन। सो रिगार्डिंग एडिक्शन, एज आई टोल्ड यू देर आर मेनी एडिक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव यू हैव ऑलरेडी लर्न, बट नेगेटिव एडिक्शन व्हाई वी आर गेदर हियर टुडे इज टू टॉक अबाउट नेगेटिव एडिक्शन। पॉजिटिव एडिक्शन के बारे में तो बोलने का कुछ है ही नहीं है, पॉजिटिव तो अच्छा अच्छा ही होता है ना। सो फॉर दैट सी एज माई एक्सपीरियंसेज ना, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ये मैं बोल रही हूँ कि और मेरा ऑब्जर्वेशन से ये मैं बोल रही हूँ, एज आई एम प्रोसीडिंग टू 60 ईयर्स, ओके आई एम प्रोसीडिंग टू 60 ईयर, मैं 60 ईयर होने वाली हूँ मैं, तो मैं 60 ईयर्स में मैंने क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा एडिक्शन को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं बात करूँगी, किताब से पढ़ के नहीं, किसी का स्टोरी सुनकर नहीं। तो एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन बोलो या अल्कोहल एडिक्शन बोलो या स्मोकिंग एडिक्ट बोलो, चाय का एडिक्ट बोलो, मैं चाय का एडिक्ट हूँ, चाय एंड कॉफ़ी का मैं एडिक्ट हूँ, तो ये सब चीज़ क्यों होता है, इसका रीज़न जो मैंने देखा है, 5 रीज़न मैंने देखा है। मैंने जो 60 ईयर्स का एक औरत 60 ईयर्स में मैंने क्या देखा है, 5 रीज़न का एडिक्शन, आपका स्टोरी भी इससे लिंक होगा, आप ध्यान से सुनना। एक रीज़न होता है ऐसा घर जो बहुत रिच फैमिली है, माँ बाप का पास में कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, वो अपना बच्चा को इतना प्यार करता है बोल के उसका हर डिमांड को पूरा कर देता है, पूरा डिमांड को पूरा कर देता है, तो बच्चा उसका पास में समय भी नहीं होता है, वो इतना बिजी होता है, इतना धनी है ना वो पैसा वाला है, इतना बिजी रहता है, बच्चा को देखता ही नहीं है, नाम से बच्चा है। तो एक ये रीज़न होता है जो मैंने देखा है, ये एक आप लोगों में से भी किसी का ये स्टोरी लिंक होता होगा। एंड सेकेंड बात है, जो सच्ची का केयरलेस पेरेंट्स होता है, सच्ची का केयरलेस, एक माँ होकर घर में रहता नहीं है, ताश खेलने चला जाता है, दारू पीने चला जाता है, पार्टी में ज़्यादा समय बिताता है, या एक बाप बच्चे का पढ़ाई का टाइम पता नहीं है, बच्चे का स्कूल का टाइम पता नहीं है, कुछ टाइम टेबल पता नहीं है, केयरलेस पेरेंट्स उसको बोलेगा। केयरलेस पेरेंट्स का वजह से होता है, आप लोग में से भी किसी का पेरेंट्स ऐसे ता होगा। एंड थर्ड है, ऐसा पेरेंट्स जो लड़ते रहते हैं घर का अंदर, बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है, पिताजी माँ को ठीक से पिटाई देगा, माँ भी पिटाई देगा, या तो ऐसे होते होते बच्चा को भी पिटाई कर देगा, इसका वजह से भी एक रीज़न होता है जो मैंने देखा है। एंड फोर्थ रीज़न ये है कि एक जिसका पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो या जिसका पेरेंट्स सेपरेटेड हो, एक साथ नहीं रहता हो, उसका बच्चा को भी ये लगता है लत। एंड एक बच्चा पेरेंट्स जो ये है मतलब डिवोर्स है एक, या एक पेरेंट्स माँ या पिताजी जिसका निधन हो चुका है, जो मर गया है, आपका कम उम्र में टीन एज में मर गया है, वो बच्चा को भी होता है, क्योंकि एक बच्चा को एक माँ चाहिए होता है शेयर करने के लिए, एक बाप चाहिए होता है शेयर करने के लिए, वो आपको मिलता नहीं है, इसलिए ये होता है। मेरा जो देखा है 60 ईयर्स में, ये 5 रीज़न है एडिक्ट होने का। आप में से किसी का भी इसी 5 का ही होगा स्टोरी, ये है। तो क्या होता है, हम लोग बोलता है बच्चा एडिक्ट हो गया, बदमाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बच्चा इतना ख़राब है, वो क्या है, वो ऐसे हम लोग इतना बोलते हैं बच्चे को, ये हम भूल जाते हैं कि हम क्या क्या चीज़, हम क्या कर रहे हैं बच्चे के लिए, हम भूल जाते हैं। देखो ऐसा ऐसा बच्चा का जिसने बिगड़ा होगा, एडिक्ट भी नहीं हुआ होगा, जो एक मर्डर भी बन, एक डकैत गुंडा भी बन गया, उसका रीज़न आई विल
श्योरली से 50% तो पेरेंट्स का हाथ में है उसका बिगड़ने का, बच्चा का में नहीं है। मैक्सिमम तो बच्चा तो इधर उधर से पेरेंट्स से सिक्के होता है, तो बच्चा का हाथ, बच्चा को हर बार टोकते रहेगा तुम ये है वो है, खुद को भूल जाता है कि हम क्या चीज़ है, क्या हमने कुछ बच्चा के लिए किया, ये हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा सोसाइटी ऐसा करते हैं कि बच्चा को ही बदनाम करते रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ना, एडिक्शन का प्रोसेस में भी बच्चा को साथ देता ही नहीं है। होगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मरने से भी अच्छा है, मेरे फैमिली में तुम नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलता है। उससे तो और वो तो वो हो जाएगा डिप्रेशन में और भी चला जाएगा ना। और क्या करते हैं, चलो तुम्हारा तंग, तुमसे तो तंग आ गया, पैसा ले लो तुम जाओ, मरना है मरो, जीना है जियो, ऐसे करके बच्चा को चोरी ही देता है ऐसे बच्चा को मैक्सिमम पेरेंट्स। तो ये हमारा गलती है, पेरेंट्स का गलती है, पेरेंट्स का गलती का वजह से बच्चा बिगड़ता है, ये तो मेरा मानना है। बिकॉज आई टू कंसिडर माई सेल्फ एज ए गुड मदर, आई प्राउडली से मेरा भी 3 बच्चा है, बड़ा बड़ा, एक 35 का है, एक 30 का है और एक छोटा है। हमने मेरा पूरा 100% ड्यूटी दिया, इसलिए मेरा बच्चा तो इस संग में पड़ा ही नहीं है। अगर हम भी केयरलेस होता, ताश खेलने जाता, दारू पीने जाता और ज़्यादा घर में नहीं रहता, तो मेरा बच्चा तो ऐसे होता, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ। सो ऐसे में क्या होता है, यू आर वेरी लक्की हियर, आप इतना लक्की हो क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट में हो, क्योंकि ऐसा ऐसा भी बहुत ड्रग एडिक्टेड बच्चे हैं, लोग हैं। ऑलमोस्ट 80% बच्चा बाहर है, सेंटर में नहीं है। तो यू आर वेरी लक्की, यू आर इन वेरी सेफ हैंड, यू आर इन वेरी सिक्योर हैंड, और आई होप आप यहाँ से निकल के तो आप अच्छा ही बनोगे। और आपको यहाँ प्रोमिस ही करना है कि हमको तो अच्छा बनना ही बनना है। तो यू आर वेरी लक्की आप इंस्टीट्यूट में हो, 20% एडिक लोग इंस्टीट्यूट में है पूरा अरुणाचल में, 20% में से आप हो 60 लोग, यू आर वेरी लक्की। सो यू वंस अगेन क्लैप फॉर योर सेल्फ। एंड आफ्टर दैट, सिंस यू आर इन ए वेरी यू नो सेफ हैंड, सिक्योर हैंड ना, सेफ प्लेस, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो भी नियम कानून है आप फॉलो जरूर करते होंगे, जरूर आप करते होंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा इसको, एवरी डे इज फ्रेश स्टार्ट। आपको ये सोच के चलना है, ये जिसने भी लिखा हो, जिसका दिमाग में भी ये आया हो, जरूर आपका ज़िंदगी बदलने वाला यहाँ से निकल के। और ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों ने ही लिखा है, सो हैट्स अप टू यू बॉयज़। एंड उसके बाद एक प्रॉमिस हान्या सर को मैं करना चाहती हूँ इस समय, इन दिस वेरी ऑस्पिशियस वेरी इम्पोर्टेंट डे, कि आपका बच्चा, आपके ये बॉयज़ जो भी यहाँ से ठीक होके निकलता है, मुझको मिलने दीजिए, आई विल गिव माई काउंसलिंग। एंड अगर आपको काम भी चाहिए इधर उधर का, आपको एंगेज रखना है, तो आप मेरे पास आ सकते हो, सर से नंबर को लेना है ना। और जब आप निकल जाते हो यहाँ से, आप सीना तान के निकलना है, हम ड्रग एडिक्ट से मतलब अपने आप को छुटकारा लेकर आ गया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसे सीना तान के निकलना है। ये नहीं कि हम तो रिहेब से निकला, शर्म लगता है लोगों से मिलने के लिए, ऐसा जनरली होता है, ये बिल्कुल आप नहीं करोगे। आप ऐसे करोगे, आप यहाँ से ठीक ठाक होके निकलोगे, तो आप क्या लोगों से बात करना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे ना। आपको निकलना है सीना तान के, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ठीक करके निकल के आया, यहाँ बाहर में 80% लोग हैं, अभी तो हिम्मत ही नहीं हुआ अंदर घुसने के लिए, तो आप सीना तान कर निकालोगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा काम से रिलेटेड ना, हमको कुछ काम तो मतलब महीना में अगर 5,000 भी कमाओ, 5,000 तो 5,000 है ना, पैसा है ना, 2,000 भी कमाओ, कुछ तो आपको शुरू करना है, उसके लिए यू कैन कम टू मी। मेरा
लेवल में जितना हो सकता है आई विल हेल्प यू। आप बिजनेस में हो या कोई छोटा मोटा नौकरी में हो या प्राइवेट में नौकरी हो, आई विल हेल्प यू। और मुझे याद करना, मेरा चेहरा तो पहचानेगा, आप लोग पहचानेगा ना, फ़ोटो खींच के रखना और ढूंढना, ईटानगर में मैं रहती हूँ, एफ सेक्टर में। ओके सो आपका चेहरा इतना स्माइल को देखकर आई एम सो हैप्पी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रग यूज़र लोग इस तरह से हैप्पी रहता है, मैंने सोचा नहीं था। सो यू पीपल आर वेरी हैप्पी। सो नाउ, सो एज आई सेड, यू आर इन वेरी सेफ प्लेस। मेरा एक ही यही बात रहेगा कि आप निकालते समय सीना तान के निकालना और सीधा मेरे पास आना, बोलना मैम मुझको काम दे दो, ऐसे बोलना, ठीक है। एंड पूरा इंडिया में मेरा जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा समझ है, जो रिहैब चलाता है ना, एडिक्शन सेंटर जो चलाता है, वो खुद वंस अपन ए टाइम ही वॉज ऑल्सो एडिक्टेड पर्सन। ऐसे लोग ही बढ़िया से चलाता है, आप लोग भी चला सकते हो, सोसाइटी के लिए बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू द बॉयज इन मैथ्स एंड थैंक्स टू गालो वेलफेयर सोसाइटी, थैंक टू हान्या सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक्स इली, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गालो वेलफेयर सोसाइटी हमको यहाँ में इन्वाइट करने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मोर ग्रेटफुल इन फैक्ट टू हान्या सर। फ्रॉम माई साइड ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर अलाउविंग अस टू हैव दिस इंटरैक्शन प्रोग्राम। And I'm also very grateful to the staff and the faculty members, media person, for joining us today in this small but very, very important interaction program. So before we start the program, I would like to request all my members, my friends, Galo Welfare Society, to please stand up. Not you all. So, sir, please sit down. So I will request all of you, I'm going to say something. I want all of you to clap, okay? I'm going a very big congratulations to all of you. So let us give a big hand of applause to them. We all will clap for them. Yeah. Okay, thank you. Thank you. So the reason why I want to congratulate you all is this. I want to congratulate you all for your bravery. You all are very, very brave people. Why? Because you have come out from all the corners. You have come out to this shelter. You have come here to make a change, to take part in a change. You have come here to this center to prove yourself that hum bahut himmat hai, you know, that I am very strong and that I desire to reign my own life. Aap log ka desire ye hai ki mera apna life hum hi khud boss hai, dusra aadmi log mera life ko ownership nahi lena hai, samajh gaya na? So this is a big step you all have taken. So when we look at all of them, majority of you are all young people, right? So young people who say everybody has aims, have dreams, have ambitions in life. Kya karega, nahi karega na? Just like madam abhi bola hai na, madam is approaching 60. I am also about to be 60. Hum log ka, you know, hum log ka potential bahut limited ho gaya. We have very limited potentials. I am a doctor. Abhi I am so about to retire, I'm so old. Hum dusra jagah mein jaane nahi sakega. I have to go in this medical professional line, right? But aap log ka bahut rasta hi hai. You got it. So with this potential, with your bravery to come here, you can achieve many, many things. Okay? So if I have to ask you, jaise madam bola tha na, why, what make you all to take drugs? Na? Ye sab cheez kyun ho raha hai, kaise ho raha hai? Any one of you can tell me? कैसे शुरू हुआ है ये सब चीज़? क्यूरियोसिटी, ओके ओके, थैंक यू। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, आई शुड से ड्रग एडिक्शन, आई विल से सब्सटेंस एडिक्शन, ओके? वी डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड, यू नो, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। So when we talk about substance addiction, if I ask many people, there are many hundreds, thousands of reasons why somebody starts taking any substance. Just like madam has already mentioned to you, family problem and all that.
But basically, let me tell you, why, out of many reasons, somebody like you, out of curiosity, na, usko leke dekhega kya hota hai? And sometimes friends, ay chalo saath mein piyega, you know? And then sometimes, aapka kuch taklif hoga, especially youth people, girlfriend ka problem hoga, dost ko batane se, ay chalo, drugs lene se na, aap sote rahega, euphoria ho jayega, you know, negative feeling ho jayega. Ye sab cheez aise hota hai na. But sabse kharab wala cheez hai ki, whenever you take any substance, jo bhi substance lega, thoda sa lene se na, बॉडी में जब घुसेगा वो ब्रेन में रहेगा. ब्रेन में जैसे कि दो वायर ऐसे लगने से स्पार्क निकलता है ना, तो ड्रग्स भी बॉडी में घुसने से ऐसे हो जाता है कि एकदम अच्छा फीलिंग होने देता है ना. तो जब वो अच्छा फीलिंग, यूफोरिया बोलता है उसको, जब बॉडी में रहेगा यू विल फील वेरी गुड. तो स्लोली स्लोली जो आप लोग का खाया वाला उसका लेवल कम होते जाएगा ना बॉडी में, तो वहाँ में साथ साथ इट विल टेक यू टू डिप्रेशन. तो दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, और वो चैलेंज को हम लोग टैकल नहीं कर सकने का वजह से यहाँ में सब लोग पहुँच गया. डू यू एग्री विथ मी? ओके फाइन, दैट्स गुड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्शन अगेन, एडिक्शन मैडम भी तो एडिक्टेड ही है ना. आई एम एडिक्टेड टू गिविंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर द लास्ट 20 years ना. एडिक्शन को बोलने से सब लोग को याद करना है, एडिक्शन डज नॉट डिफाइन अ पर्सन. ओके, आप एक ड्रग लिया है, सेंटर में बैठा है, इट डजेंट डिफाइन वो अडिक है, उसका माँ पिताजी कैसे वाला है, उसका भाई भैया कैसे वाला है. बट इन माई टर्म्स एडिक्शन इज अ चैलेंज. तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हेन आई सी चैलेंज ना, तो आपका दिमाग में क्या आता है? चैलेंज बोलने से क्या आता है? Anybody? Okay, tell me. I have to face it no matter what. You have to face it no matter what, and you have to have an opponent, right? So, I want to tell you all that addiction is just a challenge, okay? And it is also one of the most complex diseases, na? Which cannot be treated with medicines. We don't need any special doctor to treat it. The doctor is you and your body, okay? It's you and your body who will treat all that. But you cannot do alone. You need the support of the counselors, all sir and all Jubik faculty members. Yeah, that is the one thing that you need. So again, I'll go back to challenge. When we talk about challenge, what comes to my mind is boxing. Na, boxing karne se matlab do aadmi to hona chahiye na. So I am a challenger and I need an opponent, right? So opponent ko, and whenever there's a challenge, hum log ka aim, ये क्या एम होता है? जीतना है कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी? चैलेंज होने से मतलब एक बार हम चैलेंज करेगा तो हम जीतना ही है ना. सो व्हेन आई हैव एन ओपोनेंट चैलेंज करने के लिए, उसको जीतने के लिए क्या करना है हम? उसका वी हैव टू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय ओपोनेंट, वी हैव टू नो व्हाट इज द वीकनेस ऑफ माय ओपोनेंट, वेदर ही इज राइट हैंडेड, वेदर ही इज लेफ्ट हैंडेड, राइट या रॉन्ग ना. But for us right now at this present stage, the challenger is you and the opponent is the substance which you are taking. You agree with me? Yes. You are going to challenge, you are going to fight, you are going to win over your opponent so that you will get a prize. Okay? So you keep that in mind and always take it to be a challenge, not forgetting yourself that you are very strong because you are taking up the challenge. Okay, so but again, when we talk about addiction, when we talk about the substance that we are using, addiction na, it is not only the substance jo aap log use kiya hai na, substance, it is not only about that, it is also a package na. To hum kyun liya hai isko na, we also have to think about the reasons behind it na. The reasons behind it matlab we have to always remember na, मेरा तकलीफ हुआ था, आई टुक ड्रग्स, नाउ आई एम इन ट्रबल ना. तो वो सब चीज़ को भी यू हैव टू रिमेंबर. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिक्शन इज, लाइक मैडम बोला था ना, सब लोग द रियलिटी ऑफ लाइफ हम लोग रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने के लिए. डू यू एग्री विथ मी?
I have a friend who is very rich, who have many cars, who is having a luxurious life, right? But my mother is just, you know, a clerk in the office. My father is just, you know, an auto rickshaw driver. Example I'm giving you. So, hum log jab tak ye reality accept nahi kar sakne se na, our aim will be with my friend, right? तो आपके पास रुपया हो ना हो, यू विल ट्राई टू गो विद योर फ्रेंड. वो जो करेगा आप लोग भी पीछे पीछे करेगा ना, बट इन द प्रोसेस वी लर्न अप इन ट्रबल, राइट? तो ये लोग को भी सोचना है. व्हेन वी आर स्टिल हियर, इट इज़ लाइक ए मेडिटेशन, यू नो, सेंटर. वी हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. ओके, सो यू ऑल हैव कम हियर टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट. सो इन मेडिकल टर्म वी कॉल इट रिकवरी, राइट? डू यू एग्री? यू वॉन्ट टू रिकवर, राइट? ओके. So as far as your problem is concerned, recovery is a journey which is very, very tough. It is not an easy one, okay? And your journey will start jab jis din aap, before you came here, you have already decided na, jis din aap bol diya na, abhi se hum nahi lega, the addiction center mein jayega, that is just the beginning of your journey, okay? It is a very tough journey. Hum log journey jaane se destination mein poonjna hai, right? And while going to any rasta, we find speed breakers, we find good roads, we find boulders, you know, we have to cross some waters, some rivers, na? So that life is very difficult. So also is your journey towards your recovery which you are undergoing now. Keep this in mind, okay? I mean, like maybe some of you have seen some other rehabilitation center in movie and all, na? This is also very tough. You are not having a luxurious life here, but because of your bravery, you have chosen this place to come here. You have to respect sir and whatever everybody in this foundation is doing for you. Okay, it is not luxurious. They love you, they care for you, they think about your future. So they have started this foundation to keep all of you here. Okay, so you know, like what madam has said, na, every day is a new day, right? This is happening not only with you. Hum log kabhi aise hota hai, I think all of you will agree with me. When we get up in the morning, kabhi kabhi din mein aise ho jata hai, itna acha mood mein hota hai, right? We feel so good. Or aap log, maybe you are thinking, na, aaj se hum asli ka hum acha se karega, drugs nahi lega bolke, na? And yahan se nikalne se hum wo karega ye karega bolke na, that is there. And I will request you all, whenever you have that feeling, which if you don't have also, you have to develop, right? In your mind you have to think, today is a good day, na, I'm out of love, they are keeping me here, so I should do something good, my day should be good, right? Keeping this in mind, whenever you keep this mind, you have to stick to that decision. And once AC karega bolne se, what you are doing, you are climbing one step ahead of your destination, ahead of winning a goal, ahead of beating your, you know, your opponent, right? But time will come, hum log kabhi aise hota hai, kabhi kabhi utne se matlab we are so off mood, right? Matlab boring hota hai, kusa lagta hai, aise na. Just remember what I told you, always keep that good thinking for the day ahead of you, because once if you let this, you know, bad feeling rule you, once you let this moody thing come over you, you will get demotivated. When you have a good feeling, you'll say, you'll be so motivated, aaj se nahi lega, ab bhi acha karega. But when you have this, you know, off mood, bad mood ka, you will get demotivated. To waha mein fir aapka positive thinking pura chala jayega, you will go back to the negative side of your challenge. Agar aise hota hai, you will come down the steps. And I think all of you will agree with me if I say that climbing up the steps is very difficult, but coming down is very easy, right or wrong? So this is what I want you to remember, okay? When you are positive, when you are motivated, when you can make up your mind, I will stay here till the end of my journey, when I go back, I will do good things, you will reach the top of the stairs, right? Okay. So, whenever you feel bad, whenever you have any negative thinking about it, you know, about yourself,
Just remember what madam told you, okay? Madam is already there, a light at the end of the tunnel to take you through, okay? You agree with me? Yes. Yeah, are you willing to come out from there and meet madam for counseling? Yes. Yeah, so always keep that thinking in mind. And while you are here in the center, what I would suggest you to do, okay? Number one, now I feel, I know you all are very open from the sound of yes. I can see that everybody is cooperative, right? But when you are here in the center, all you have to do is, you know, you have to open up. You be open, okay? Open your heart, open your mind, open your thinking. You talk to the counselors, you talk to sir, talk to everybody. And then you also have to talk about your dreams. You should talk to them about your dreams. What is my dream? What do I want to do after I go back from here? They are the people who are always here to support you. You won't be able to do anything without their help. They are already experts in taking you out of this mess which you are now. But unless and until you tell them about your dream, about your future plans, they will not be able to help you, right? You may succeed from here, but when you go back, you don't know what you will do. Na? You may forget madam also wo samay me. You got it. So this is what I want you to do. And actually when we talk about recovery, we talk about healing, right? When we are sick, we will have to recover and we have to reach the healing stage. So unless and until you open up and you have a connection with anybody, healing will never happen. It's exactly what I told you just now. You will succeed here. It will end here. You will go back. You will start your life again. But if you have a connection, if you are open to sir, to everybody, you take advice from them, yahan se nikalne se hum kya karega na? They will be able to guide you. That is where you will achieve your healing. Okay? So, when you are staying here, you have to also dream. Okay? You also have to dream. You have to picture yourself. Paint a picture of yourself. Yahan se nikalne se, what do I want to be? Na? Not doctor, not engineer, not teacher, not businessman, but your personality, your personal life. What do you want to be? Every one of you will want to be healthy, right? You will want to be free of drugs, right? Yes. You will want to achieve what you have in mind, right? Yes. So this is the picture that you have to paint every day in your head as long as you are in this center. And once you have painted that picture, you have to stick to it. Don't let anything divert the picture you have painted of yourself in your brain, okay? This is something which is very, very important. And also, you have to trust your caretakers. Doubt nahi karnai, sir loko, counselor loko. You have to build a trust with them. In that way, your connection will be perfect and your future plans will also be perfect. So now, like what we have seen there, bar bar subuh se bhul raha tha usko, Galo Welfare Society is with you, right? All of you have read that, right? So you just know that you are not alone, okay? I think, sir, maybe so many welfare associations, students' union and religious groups, they may have come here for this type of interaction, right? Not yet, na? So maybe they will come, but any of these associations, they have been going to every other place, na? To show solidarity with you. Galo Welfare Society is with you. We are not condemning you. Beginning say, we congratulated you, we appreciate you, we want you to complete your stay here, to be successful, to go out to the world proudly, right? So everybody is with you, the world is looking at you, right? The world is looking at you and the world expects you to be the winner of the challenge, okay? So what you have to do is always keep that thing in your mind, and most important thing is you have to believe in yourself. I shouldn't be saying this, more than you believe in God, when you are in this center, you have to believe in yourself. You have to believe that I can do it. And sab log bolta hai ani hum bahut strong hai bolke na, what comes out from your mouth when you define yourself as strong, actually that is a little bit less. Every person is stronger than what he or she thinks she is. We have more strength than that.
and you can see it when somebody gets angry. Na? Husa huni se to aur bhi energy aata hai na? So that is the thing that you should keep in mind when you are into this challenge now. Okay? So, as the name of this foundation implies, New Hope Foundation. What is the literal meaning of hope? Hope means what will come next, right? And piche mein kya hoga? Nobody expects bad thing. We expect only good thing, right? So you all are here in this very meaningful and very, you know, like very heavy de-addiction center, I should say. Because the name is New Hope, you all have come here with full hope that you will become new people when you leave this place, right? So everybody should have that thing in mind. And ACA Hone say, when you will have this dream in your mind, you will definitely become a winner. Okay, so many of you, maybe you have been brought here by your parents, maybe some of you have come willingly, maybe some of them has been brought by the authority, we don't know. But aap log khud ko, you have to think that you are very, very lucky. Okay, do you agree? Yes. Do you agree that you are lucky? Yes. Why? Because? Very good. So, I'm seeing you are very lucky because there are hundreds and thousands of people like you who wants to come in this type of foundation, but they don't have means. They don't know where is the foundation. They don't know hum kisko contact karne se wo de-addiction center mein na. So you shouldn't feel bad about it. Jaise hum beginning se I told you, you should always have a positive thinking. And isse baithne se kabhi kabhi maybe khana acha nahi hone se bhi, some of you whose parents have brought you here na, you shouldn't get angry. Hame kyun rakha hai isse na. You remember what I told you. Keep that in mind. There are thousands of people like you who are roaming about in the world who doesn't even know what is a de-addiction center. Okay, so for this I would like to once again congratulate sir and his team for all the efforts that you have. So sabko good morning, and special thanks to goes to Galo Welfare Society Papumpore district unit and अपना डी ओ मैम एंड मैडम आप आए इसके लिए आप लोगों सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. तो जैसे अभी मैडम का जो जैसे गालो वेलफेयर सोसाइटी किया है उसे एक बात याद आ गया ना, जब बोलता है कि रोड जब सक्सेस का रास्ता में चलता है ना, वहाँ में कभी आई नहीं होता है, बोलता है वहाँ में होता है हम हुई. तो बोलता है कि सक्सेस इंसान चाहे कोई भी बन जाओ, जितना भी सक्सेस हो उसका पीछे में कोई पुश करने वाला, या कोई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उसका टीचर का, फैमिली का, सबका हाथ होता है. तो वैसे ही आज जब हम लोग रिकवरी का जर्नी में सक्सेस का ओर जा रहा है, तो आज गालो वेलफेयर सोसाइटी का भी हाथ आया है. तो हम लोग कहानी में जो मेरा कहानी नहीं हो कि आज हमारा कहानी बनने जा रहा है, आपका मेरा गालो वेलफेयर सोसाइटी डी ओ एम एम एंड मैडम जो आया है, तो हम लोग सब अभी एक साथ जले. जैसे ही बोला है कि गालो वेलफेयर सोसाइटी इज विथ यू, तो मीन्स आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता है कि आप लोग ये बताने के लिए कि सोसाइटी आपका साथ है. एंड आज आप लोगों का सामने बोलता है कि इज़ द फर्स्ट जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी हो, आप लोग सबसे पहला आया जो बताया कि गालो पीपल आर डियर फॉर यू, जो आप लोग का साथ है अभी भी, आप जब भी आगे आएगा मदद करने के लिए साथ है बोलने के लिए, आप लोगों दिल से धन्यवाद. एंड आप लोग आज जो भी हम लोग को सेंटर को आप लोग का दिल से दिया, उसके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद है. बोलता है दिल से जो देता है उसमें कमी दूना नहीं जाता है, वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है अपना के लिए, चाहे वो एक सोल हो या कुछ बड़ा सा गिफ्ट हो. जो दिल से देता है उसके लिए हम एकदम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता है जो दिया है. एंड आप लोगों को हम वही बोलता है कि आज का दिन में जैसे आज हम लोग का पास आए हैं, एंड ऐसे बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं जो अरुणाचल में है, चाहे आपका इस साइड हो, वही साइड हो, बहुत सा है. तो जाइए, विजिट कीजिए, ऐसे नहीं है कि सामान पहुंचाना ही है, देखिए, उससे मिलिए, जानिए वहाँ का एडिक्ट कैसे है, क्या है, कुछ तकलीफ से गुजर रहा है. एंड न्यू होप फाउंडेशन आप लोग का हमेशा अभी आभारी रहेगा गालो वेलफेयर सोसाइटी का. एंड आप लोग ऐसे ही आगे
सोसाइटी को, क्या मालूम आज आपको देखने के बाद कल को एबीके एंड निशी एलाइज सोसाइटी, उसके बाद ये क्या बोलता है सोसाइटी का सर वो आएंगे आगे, तो बोलता है ना सोसाइटी में सबसे पहले एक तो टॉर्च वेयर होना चाहिए, लाइट जो लैंप लेके चलने वाला, तो वो आज आप लोग निकला। तो जैसे सुबह बात कर रहा था कि एडिक्शन का ऊपर बातें करने वाला लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही का सही से उसके ऊपर में काम करना कुछ लोग ही निकलते हैं, जैसे आप लोग आया। बोलता है कि एडिक्ट सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एडिक्ट वो है ये है बोलता ना, तो मैडम ने जैसे कहा है एडिक्ट पर्सन इज वो जो इंसान है वो ख़राब नहीं है, असली प्रॉब्लम क्या है ड्रग्स, प्रॉब्लम एडिक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है ड्रग्स एंड सोसाइटी का जो बिहेवियर आता है। जैसे मैडम ने भी कहा फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फैमिली एज ए फैमिली, जैसे कि हम लोग अरुणाचल में जैसे आप लोग आए, आज आप लोग के सामने कुछ एक बोल देता हूँ कि आप लोग भी पेरेंट्स होता है। बहुत से समय हम लोग क्या करते हैं कि 5 साल का या 7 साल का छोटा बच्चा है उसका बर्थडे पार्टी में भी क्या करता है कि उसका बर्थडे पार्टी कम मनाया जाता है, अपना पार्टी ज़्यादा, पर्सनल पार्टी ज़्यादा होता है जहाँ अल्कोहल यूज़ हो रहा होता है। एंड वो क्या होते हैं तो उस समय जब 8 ईयर्स 7 टू 8 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के बीच में वो मेमोरी बहुत डेंजर होता है, एंड वो मेमोरी क्या होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है हम सबकॉन्शियस माइंड में। क्या होता है कि उसमें वो जो देखता है वो सीखता है वो बहुत देरी तक रुकता है, तो वहाँ से जब वो देख के निकलता है तो जानता है कि विदाउट अल्कोहल देयर इज नो पार्टी, वही सीख के निकलता है। हम लोग जितना बड़ा हुआ है, हम लोग जब मेरा 90s का इरास में जब हम लोग देख के निकल रहे हम लोग अभी भी लगता है कि विदाउट अल्कोहल अरुणाचल में बैठ ही नहीं पाएगा, बहुत बार ऐसे ही बोलता है। तो ये चीज़ से हम लोग को बचना है बोलता है। एंड एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, इज कॉल्ड अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस मीन्स ऐसे नहीं कि ओनली ड्रग्स, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो, एंड इट्स ऑल्सो कम फ्रॉम जेनेटिक वे। अरुणाचल में एक रीज़न ये भी है कि एडिक्शन इतना फैलने का कारण ये भी है कि क्या बोलता है दैट द जेनेटिक, बिकॉज आवर फोर फादर यूज टू ड्रिंक, आवर फोर फादर यूज टू यूज ऑपियम एंड गांजास, दैट्स वाई एडिक्शन बहुत जल्दी फैला है अरुणाचल, एक रीज़न वो भी आता है। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता है कि आप जब भी अपना सोसाइटी में वापस जाओ गिव अवेयरनेस टू द पेरेंट्स, टू आवर ब्रदर्स एंड आवर अंकल जो भी है, प्लीज़ चिल्ड्रेन का सामने नहीं, हम लोग अलग से करते हैं, सोने दो बच्चा को, रूम में जाने दो। एंड बहुत सा टाइम हम लोग ऐसे होता है कि बेटा बेटी बैठ के तो पैसा दे के जाओ, मेरा ले आओ और ये नेवला लेके आओ, सिग्नेचर लेके आओ, रजनीगंधा लेके आओ, एंड दिस इज द प्रैक्टिस वेयर चिल्ड्रेन आर लर्निंग दैट ये भी ईटेबल थिंग है, वी कैन ईट दैट, हम लोग खा सकते हैं, सिगरेट लेके आओ हम लोग पी सकते हैं। तो दैट बोलता है पेरेंट्स इज द फर्स्ट टीचर जो सिखाता है घर में। तो आप लोगों को वही रिक्वेस्ट करता है कि कल को जाके बाहर में जब आपके सामने कोई कर रहा होगा तो उसको रुकाने की कोशिश कीजिए, अवेयरनेस दीजिए, तो शायद जाके थोड़ा कम हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। एंड अभी का जनरेशन में तो हम लोग के बाद का वाला जनरेशन बोलने से 90% डूब चुका है अभी तक एडिक्शन में। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नहीं घुसा है उसको बचा सकते हैं, जो डूबा हुआ है उसको निकाल सकता है। तो अभी हम लोग का जैसे अभी हम लोग डूबा वालों को निकलने के लिए रिहेब काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, जैसे ओएसटी सेंटर हो गया एंड डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर लोग खोला है, डी एडिक्शन सेंटर चांगलांग ये सब में खोल दे गवर्नमेंट का। अभी क्या आता है कि जो नहीं घुसा है उसके लिए जो सोसाइटी काम करना पड़ेगा, एज ए पेरेंट्स एज ए एल्डर आप लोग को ही काम करना पड़ेगा। हम लोग लाइफ में बोलता है ना एडिक्ट, आप लोग हम हमेशा बोलता है कि एडिक्ट को कोई समझने वाला नहीं। आज देखो आप लोग के सामने में इतना आदमी आया है, मीन्स ये जो आया है ना आगे अभी जो आप देख रहा है अभी ट्रेडिशनल ड्रेस में ये आया है, मतलब गालो समाज पूरा आया है आपका साथ में सपोर्ट करने के लिए ना। तो आप लोग मत सोचिए कि अकेला है, सिर्फ यही रहता है बोलता है ना जैसे वो एवरीडे इज अ फ्रेश स्टार्ट, नया सोच का साथ में हमने निकलना चाहिए बोलता है। और क्या बोलता है व्हाट इज़ होप ना, उम्मीद क्या है, उम्मीद वो होता है क्या बोलता है हम लोग कल जिंदा रहेगा, कल सुबह उठेगा जिंदा होके उठेगा और नहीं उठेगा मालूम नहीं है, लेकिन भी
अलार्म लगा के सोता है, दैट इज होप कि हम कल उठेगा, समझ रहे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता है, आप लोग टाइम निकल के आए यहाँ और हम लोग के लिए भी सोचा है, तो उसके लिए क्लैपिंग कर देता है एक बार। और हम लोग का डाउन टू अर्थ एमडी सर के लिए, उसके लिए भी क्लैपिंग कर देता है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से, मतलब जितना तक हम मेरा एक्सपीरियंस में, ये जैसे कि मेरा भी ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, हम बहुत सेंटर बैठ चुका है, तो इसमें मतलब हम जितना तक मेरा नॉलेज है, स्पर्म नॉलेज, तो हम कहीं ना कहीं जितना एक्सपीरियंस में हम देखा है कि मेरा इमोशन जो होता है, कुछ चीज़ से हम हार जाते हैं वही चीज़ में, जर्नी में कहीं आगे जाके। स्पेशली इस बार तो क्या हुआ है कि जब आप आपका स्पेशली व्हेन यू लव समवन ना, वो जब आपको मतलब छोड़ देने, मतलब जब आप खो देता है उसको, जब या फैमिली हो या कोई भी, जब कोई आपको दुनिया से अलविदा ले लेता है, तो ये समय में हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ होता है, स्पेशली हम लोग एथिक पर्सन, तो इसका हम लोग डील नहीं कर पाता है। तो उसमें जो यहाँ में जैसे कि जो सिखाया जाता है यहाँ में, जैसे हम लोग को बोलता है वी एडमिटेड दैट वी वेर पावरलेस आवर एडिक्शन, दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, ये सब चीज़ जो वो समय में खो जाता है पूरा, हम लोग खुद को संभाल ही नहीं पाता है। तो ये सिचुएशन में हम लोग को एक्चुअली क्या करना चाहिए, ये चीज़ का हम कन्फ्यूज था, तो आप लोगों का नॉलेज थोड़ा आप लोग बता सकते हैं आप लोग। As a person, I am very emotional. आप लोग को देख कर भी हमको इतना रोने मन होता है और इतना हंसने भी मन होता है, दिस इज इमोशन ना। तो सेम वे एज ही आस्क्स कि किसी को खो देना या किसी को घर में छोड़ के यहाँ रहना, दुखी हो जाता है, मम्मी का याद आना या मम्मी गुजर गई या पापा गुजर गया, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशनल हो जाता है। देखो एक ह्यूमन बींग को इमोशनल होना बहुत जरूरी होता है, अगर आप इमोशन लेस हो जाएगा तो आप क्या बन जाएगा, आप सोसाइटी का इंसान नहीं बन सकते, आप एक मर्डर बन सकते हो। इमोशनल होना बहुत जरूरी है, दैट इज पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बट कुछ हद तक आपका इमोशनल को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। आप आपका इमोशन को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपने बोला इसमें बहुत तकलीफ हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो मतलब इसमें आपको ये डिसाइड करना है, जिस तरह आप हर रोज़ नया दिन है आप सोचता है, हर रोज़ नया दिन होना चाहिए, तो आपको सोने से पहले डिसाइड करना है कि कल सुबह हम अपना इमोशनल को 100% यूज़ नहीं करेगा, ये आपको प्रॉमिस करना ही करना है कि आपका 100% इमोशनल है तो आई विल यूज़ ओनली 25% बोलोगे आप 50% यूज़ करोगे, तो इसलिए। और उसके ऊपर आप जब कोई डिसीजन लेना होता है ना, आपको जब कोई डिसीजन लेना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई पेरेंट्स मर गया, उसका बिना मेरा ज़िंदगी क्या होगा, अभी हमको क्या करना है, ऐसे में आप इमोशनल होने से यू विल बी द फेलर। आप अपना इमोशन को उस समय सप्रेस करना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। तो ये एक ही तरीका है जहाँ तक हमको समझ में आता है इमोशनल का बारे में, कि आपको डिसाइड करना कि नो आई विल नॉट बी इमोशनल फॉर 100%, ओके आई मे बी इमोशनल फॉर 25% फॉर होल डे ना, वो आपको दिमाग में बताना है। एंड डिसीजन जब भी लेता है, आपको जब भी डिसीजन लेना है, कोई कन्फर्म डिसीजन लेना है, तो आप इमोशनल को उधर रखो ना, आपका नॉर्मल को इधर रखो, इमोशनल का 50% को आप छोड़ दो। मेरा पिताजी मर गया, अभी हमको क्या करना है, घर को संभालना है, दुखी होकर घर को संभालेगा बोलने से तो आप दुखी हो गए, संभाल नहीं पाओगे, इसलिए इमोशनल को इक्वली जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना है। आप इमोशनल को यूज़ नहीं करोगे आप पागल भी हो जाओगे। सो आई फील द बेस्ट व्हाट एवर आई नो प्रैक्टिकली ना, मैं तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ही सीखा है, जो पढ़ के सीखा होगा मैम है, मैम का पास में आइडिया होता होगा, लेकिन मेरा हिसाब से इमोशनल को आपको डिसाइड करना कि नो आई विल यूज़ माई इमोशनल ओनली 50%, 20%, ऐसे आपको हर रोज़ सोचना है। थैंक यू सो मच। इंटरएक्टिव स्पीच विथ यू ऑल्सो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट इट ना, व्हेन यू आर स्टिल हियर आई टोल्ड यू यू हैव टू हैव योर ड्रीम्स राइट,
plan what you will do after you go there. Madam has correctly mentioned ki we have to have emotions. But whenever you feel emotional, you feel bad. Ye huay, ne huay, you want to, you know, go back to taking whatever, na, which has compelled you to do it. What I have mentioned to you, you remember that, number one. Number one, you open up. Right? You open up. But you sit down, it's okay. Whenever you feel I'm becoming emotional, like, na, what you do, you have your counselors with you, na, you have sir, look, ya happy, hey, din bar, rat bar, you go to them. Don't sit alone, jahami up, hey, na, wahan me bed ke, mood of aise karke, royega, those log, anisi bhi kusa, baat mot karo ne, that is very wrong. You open up, go to any one of them, ye log ko bata nahi, mera aise aise lag raha hai, okay? And if you feel like what we say, express your emotion. Sir, look ko bata ke, you are emotional. When anybody is emotional, definitely somebody wants to cry, right? Burst out, bring out your emotion.